हेलो बच्चों, अपन राजस्थान स्टेट ओपन आज हिंदी के एग्जाम के पुराने पेपर्स की चर्चा करेंगे। यदि आप किसी बच्चे को हिंदी के पुराने पेपर चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के वो हिंदी के पुराने पेपर प्राप्त कर सकता है। इनमें से क्या होते हैं कि लगभग 50% से अधिक क्वेश्चन रिपीट होते हैं, या तो बड़े क्वेश्चन सेम आ जाते हैं या छोटे क्वेश्चन सेम आ जाते हैं। जो बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं और उनको अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में हेल्प करते हैं, उसी में से पार्ट में से क्वेश्चन आते हैं। अब अपन में मेरे पास कौन कौन से पेपर उपलब्ध है, एक तो मेरे पास अप्रैल मई 2019 का पेपर उपलब्ध है राजस्थान स्टेट ओपन का हिंदी का, और एक सितंबर 2020 का। इसके अलावा ये पेपर है नेक्स्ट अपने हिंदी का मार्च अप्रैल 2020 का, और फिर ये एग्जाम हुआ था अपने सितंबर अक्टूबर 2021 में। तो ये चार पुराने पेपर है, इन पेपर पे अपन चर्चा कर लेते हैं क्या क्या सवाल आते हैं। सवाल रिपीट होते हैं, आप भले ये चारों पेपर है उनको मिला लेना, अभी आपके सामने प्रूव कर दूंगा कि कौन कौन से सवाल रिपीट हुए हैं। अब सबसे पहले क्या है, जो पहला प्रश्न है वो 5 अंक का है, उसमें क्या होते हैं पांच ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं। ठीक है, ये पांच ऑब्जेक्टिव सवाल है इस पेपर के अंदर। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है इस पेपर के अंदर भी, ये क्या है सबसे पहले पांच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समझ गए बात को, ये पांच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिर उसके बाद इस पेपर के अंदर भी कितने हैं, ये पांच ऑब्जेक्टिव सवाल है। अब आप इन दोनों को क्या है कि अपन इनकी चर्चा करते हैं, तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग क्या है, सेम ही है, क्या है सेम ही है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं नेक्स्ट इस हिंदी के पेपर की चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें भी क्या है कि थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं, समझ गए बात को। तो अपन चर्चा कर लेते हैं कौन कौन से पेपर है क्या है। सबसे पहले इस हिंदी के पेपर की चर्चा करते हैं जो आया है अपने 2019 के अंदर। बहुत आसान पेपर था, इसमें ये पांच ऑब्जेक्टिव सवाल है, उसके बाद में ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, इन्होंने पूछा है 6 अंक का क्वेश्चन है। इसमें ये प्रश्न पूछे गए, इन प्रश्न 6 प्रश्न पूछे गए, प्रत्येक एक एक अंक का है और उसका उत्तर लिखना, आपको 6 में से 6 अंक मिलेगा। फिर प्रश्न तीसरा है, उसमें क्या करना है, काव्यांश है, उसमें कौन से कवि ने ये कविता लिखी थी, ये आपको रिपीट होती हुई मिल जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा, 5 अंक का होगा। इसमें आपको क्या करना है, बहुत आसान, एक प्रेरणा दी हुई है उसके बारे में पूछा गया, बैठे हुए वो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो, हे भाग्य की है भाग्य की भावना, ये पाठ पुरुष को पढ़ो, इस तरह से एक कविता संघर्ष लिखी हुई है, उसके बारे में आपको क्या करना है, पूरा एक्सप्लेनेशन करना है। फिर उसके बाद ये प्रश्न पूछे गए हैं, 3 प्रश्न हैं और प्रत्येक 2 अंक का है। ठीक है, नेक्स्ट आपके फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 नंबर क्वेश्चन आपके क्या, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए, क्या आ गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुके हैं। ये क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं बार बार। ठीक है, फिर इस तरह से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आपके इस प्रश्न पत्र के अंदर क्या है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसमें गद्यांश पदांश वगैरह 16 क्वेश्चन है, कितने हैं, निबंध लिखना है। तो आप ये पुराने पेपर याद करोगे तो आपको निबंध वगैरह क्या हो जाएंगे, जो आपके निबंध है और अपने मित्र को मिलने वाला बधाई पत्र है, ये आपके क्या होता है लगभग सेम मिल जाता है। ठीक है, तो अपन ये तीनों साल की चर्चा कर लेते हैं। इसमें आया था मेले का एक दृश्य, विद्यार्थी और अनुशासन, किलो का प्रदेश राजस्थान, बढ़ता शहरीकरण और समस्या। इसके अंदर आया था मेरी प्रिय पुस्तक बाल मजदूरी, एक अभिश्राप, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और संक्रामक रोग और दुष्प्रभाव। ठीक है, और इसके अंदर आपके आया था मेरा प्रिय खेल, क्या है, मेरा प्रिय खेल, विज्ञान अभिश्राप या वरदान, कन्या भ्रूण हत्या एक कलंक, मेरा देश मेरा गौरव। तो अपने क्या होता है इसमें लगभग लगभग आपको क्या, मोबाइल वरदान या अभिश्राप, तो विज्ञान अभिश्राप और वरदान है। तो इस तरह से ये क्या होता है, मेला एक दर्शी, विद्यार्थी और अनुशासन, ये क्या निबंध लगभग लगभग आपको क्या हो जाएंगे, सेम मिल जाएंगे थोड़े बहुत, अपन पुराने पेपर और देखेंगे तो। ठीक है, तो आपको क्या, ये जो पत्र लेखन है, बधाई पत्र है, ये क्या होते हैं, अगर इसमें से याद करके चले जाते हो तो आपके क्या होते हैं, सेम मिल जाते हैं। फिर उसके बाद अपन इसकी चर्चा कर लेते हैं, इसकी जो ये बधाई पत्र है, अपने मित्र हरमीत हरप्रीत को स्काउट में राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने पर बधाई पत्र लिखी है। ठीक है, और इसी तरह स्वयं को माधपुर निवासी रावी राजीव मानकर प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माधेपुर में पुस्तकालय की सुचारू व्यवस्था, तो एक प्रार्थना पत्र लिखी है। तो ये क्या है, ये अपने आ चुका है बधाई पत्र और प्रार्थना पत्र।
अपन इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी आपको ऐसा ही मिलेगा। स्वयं को प्रकाश मानते हुए अपने मित्र संजय कोविड में जन जागरूक अतिक प्रयास ये सम्मानित होने पर बधाई पत्र, तो बधाई पत्र हो गया। और इसी तरह शिकायती पत्र, तो बधाई पत्र और शिकायती पत्र आप याद करके इसमें पांच में से पांच अंक प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। इसकी अपन चर्चा कर लेते हैं, ये बहुत आसान पेपर है। अगर आप पुराने पेपर याद कर लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, सेम मिल जाएगा। अपने मित्र की मृत्यु संतावना पत्र आया, क्या आया है, संतावना पत्र। खेल गतिविधियों को व्यवस्था तो प्रार्थना पत्र आया, तो ये क्या है, ये आपको आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ये पुराने तीन साल के पेपर है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके या मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको मैं ये उपलब्ध करा दूंगा, आप लोग इन पुराने पेपर्स को पूरा याद कर लीजिए, मेरी गारंटी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। और कोई समस्या हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। किसी भी प्रैक्टिकल की फाइल की आवश्यकता हो, कोई भी पुराना पेपर आओ की आवश्यकता हो राजस्थान स्टेट ओपन की, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं। थैंक यू बच्चों।